हमारे बीच में प्रदेश के नेता हमारे मेहनत किए हैं, हमको खत्म कर लिए। अगर ये समझो राज में 100 सिपाही, 100 लेखपाल, 100 ग्राम सेवक, 100 दरोगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पिछड़ा वर्ग वादी प्लान बन सके। साथियों, कुछ पहले से पहले क्षमता से जो बात हमने आप तेरे बीच में कहा है, ये बात सही है कि गलत है? कितना लोगों के सही हाथ उठाकर गंगाराम राम आनंद आशीष शुक्ला जी, मुझे जी, सू जी, मैं कहां तक नाम लूं? और सबसे पहले हमारे ने कहा कि मैं, मेरे पास जो व्यस्तता थी, अभी सिद्धार्थ नगर आने का वक्त नहीं था, लेकिन यहाँ के नेताओं ने, केशव भाई ने, सबने जिद किया और उस जिद पे आए, तो कम से कम ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात करते हैं। क्या इससे फायदा मिलेगा आपको? आप बगल का प्रदेश है, जरा झांक के देखिए। शराबबंदी के, फिर मैं कह रहा हूं कि 25-30% एक्सीडेंट शराब की वजह से हो रहे हैं, और शराब पीने वाले परिवार में, जिस परिवार में लत लग गई, असमय मृत्यु हो जा रही है, और लाखों लाख माँ बहने विधवा हो जा रही हैं, बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, अशिक्षित हो जा रहे हैं। और शराबबंदी, ये शराब एक बहुत अभिशाप है, प्रचार होता है, शराब विषय भी भयंकर है, मद्यपान निषेध विभाग प्रचार करता है। क्या इससे फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, गरीबों का तो बहुत जबरदस्त फायदा होगा। आपने कहा आबकारी विभाग को बंद कर देना, बिल्कुल कर देना चाहिए। क्यों, बताएंगे थोड़ा सा? वही तो बता रहा हूँ, इस नाते कि दो विभाग, एक विभाग चलाओ। एक विभाग कह रहा है कि बंद करो, एक विभाग कह रहा है चालू करो, तो चालू क्यों करो, बंद करो उसको। सर, यूपी सरकार कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। देखिए, आप सही मामले में देखेंगे तो पिछली सरकार से बेहतर है, हम कह रहे हैं। किसी इशू पर आज गांव में आप चले जाइए तो आपको दिखेगा कि जो इज्जत घर कहते हैं, शौचालय, आपको पिछली सरकार से ज्यादा शौचालय बने हुए मिलेंगे। आप पिछली सरकार से इस बार आप देखेंगे तो आवास, प्रधानमंत्री आवास और जो आवास यहाँ प्रदेश सरकार से, ज्यादा आवास बने हैं। ऐसा नहीं है, सरकार कोई भी आएगी तो वो कोशिश करती है कि हम बेहतर करें। महागठबंधन अरे यार, वो सब दगे हुए कारतूस हैं, कहाँ बात करें। चलिए।